नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और आज हम इवनिंग सेशन में 50 जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल हैं। ये सभी एग्ज़ाम जो भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हैं, चाहे SSC की बात करें हम या रेलवे, NTPC या HSSC, कोई भी दिल्ली पुलिस, दिल्ली हेड कॉन्स्टेबल, सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो आपको सभी को पता है कि मैंने आप शेड्यूल बता रखा है कि डेली आपको 3 लेक्चर प्रोवाइड होंगे। मॉर्निंग में 8:30 बजे करंट अफेयर, फिर 1 बजे दोपहर के अंदर आपको एक GS डोज और एक इवनिंग में 9:30 बजे। तो ये इवनिंग सेशन है, आशा करता हूँ सभी क्लासेज आपको पसंद आ रही होगी। किसी प्रकार का कोई और आपका सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम गुलाम वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुलाम वंश की हम बात करें, गुलाम वंश के संस्थापक माना जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के स्तूप को किसने बनवाया था? तो अशोक ने। सांची के स्तूप को किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। केरल राज्य की राजधानी त्रिवेंद्रम है, त्रिवेंद्रमपुरम बोलते हैं केरल। तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो तानसेन है वो अकबर के दरबार में रहते थे। चीनी यात्री फायान किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है, फास्टली करवा रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, और ये जो जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं आप फास्टली रिवीजन कर लें और नोट कर लें इनको। भारत में किस मुगल बादशाह के द्वारा मनसबदारी प्रथा का प्रचलन? तो ये किसने? अकबर ने। और दीन ए इलाही धर्म भी अकबर ने चलाया था। क्लियर है, जहांगीर को न्याय की जंजीर कहा जाता था और बाबर है वो मुगल शासन स्थापन करने पहला मुगल शासक था। दक्षिण भारत का कश्मीर किसे कहते हैं? तो दक्षिण भारत का कश्मीर है वो केरल को कहा जाता है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस की हम बात करें तो 27 सितंबर को अभी हाल ही में मनाया गया विश्व पर्यटन दिवस। काला पैगोडा कहाँ पर स्थित है? तो कोणार्क, कोणार्क काला पैगोडा आपने सुना होगा, कोणार्क सूर्य मंदिर, ब्लैक पैगोडा। ठीक है, पंचतंत्र के लेखक, तो पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। ठीक है, विष्णु शर्मा। राजतरिंगणी की बात करें तो कल्लण का नाम आता है राजतरिंगणी। सर्वाधिक मसाला उत्पादक राज्य? तो केरल, केरल में सर्वाधिक मसाले होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करें, सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु है वो बेबीलोन में हुई थी। खून की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो आपको पता है कि खून की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने, किस मुगल शासक ने करवाई? तो तेग बहादुर की हत्या है वो औरंगजेब ने करवाई थी। ठीक है, और जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी। ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। एलोरा एव एलिफेंटा जो शैलकृत चित्रने किस काल के हैं? तो राष्ट्रकूट काल के हैं। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो 1949 के अंदर हुई थी। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वो है वेटिकन सिटी। ठीक है, सबसे छोटा, और सबसे बड़ा देश है रसिया। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? तो फैजाबाद। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी क्या थी? फैजाबाद। निम्नलिखित में से किस राजवंश की नौसैनिक शक्ति मजबूत थी? तो जो चोल वंश था उसकी है, राजवंश की है जो नौसैनिक शक्ति है वो काफ़ी मजबूत मानी गई थी। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो अरब सागर की जो रानी है वो कोचीन को कहते हैं। ग्रामीण विकास संस्थान RDI जो हम बात करें, रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो ये हैदराबाद के अंदर है। कहाँ पर है? हैदराबाद के अंदर। अंतरिक्ष यात्री को जो है, अंतरिक्ष नहीं मतलब आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो जो बिजली का बल्ब होता है उसमें जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। और जो हमारा हीटर होता है जिसमें जो वायरिंग तार होती है वो नाइक्रोम की बनी होती है। ये भी आप नोट कर सकते हैं। भारतीय संविधान में संसदीय स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। चीन में लाल क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी? तो माओ त्से तुंग। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में SSC में पूछा जाता है। चीन की क्रांति का जो है श्रेय किसको? माओ त्से तुंग। संसार में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सी? मीठे पानी की, तो सुपीरियर झील। ठीक है, सुपीरियर। वुलर झील जम्मू कश्मीर में है।
और चिल्का झील है वो उड़ीसा के अंदर है। कैस्पियन सागर की बात करें तो वो खारे पानी के लिए जाना जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो विटामिन ए की कमी से है वो रतौंधी रोग हो जाता है। हम बात करें ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है, तो लॉन टेनिस से। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, तो बी ट्वेल्व के अंदर क्या है, कोबाल्ट पाया जाता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है, तो डायनामाइट की हम बात करें सबसे पहले तो डायनामाइट का आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल, जिनकी याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। किसका प्रयोग होता है, नाइट्रोग्लिसरीन का। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को है वो विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, संसद की दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, ठीक है। संसद के दोनों सदन, हम बात करें दोनों सदन जो हमारे राज्यसभा और लोकसभा, उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा। अब दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन जो बुला सकता है राष्ट्रपति, और अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष, जो लोकसभा स्पीकर हैं अभी, जैसे अभी वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है और इसके अध्यक्ष हैं ओम बिरला। चमगादड़ किस प्रकार का प्राणी है, तो स्तनधारी है चमगादड़। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, तो पुष्यमित्र शुंग। राजतरंगिणी के लेखक, ये मैंने ऊपर भी बताया था आपको, कल्लण, ठीक है, राजतरंगिणी। नेक्स्ट हमें द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन थे, तो श्याम बेनेगल हैं, वो द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक थे। कवि हरी सेन किसके दरबारी कवि थे, तो समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो कवि हरी सेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। गुगली शब्द का संबंध है वो किस खेल से है, हम बात करें गुगली की, तो गुगली का जो संबंध है वो किससे है, क्रिकेट से है, क्लियर है। नेक्स्ट है, तमाशा एवं लावणी कहाँ का लोक नृत्य है, तो महाराष्ट्र का है। उड़ीसा में उड़िया नृत्य किया जाता है। गुजरात के अंदर आपने सुना होगा गरबा डांडिया है, तो महाराष्ट्र के अंदर तमाशा और लावणी, जैसे गोवा में मांडी नृत्य है। यूपी के अंदर हम बात करें तो रासलीला है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मटकी है, ठीक है। पंजाब में भंगड़ा है, गिद्दा है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो कुचिपुड़ी नृत्य है। कर्नाटक के अंदर यक्षगान है, तो ये चीज़ें भी आप नोट कर सकते हैं। दिनार किस देश की मुद्रा है, तो दिनार है वो इराक की है, ठीक है। अल्बानिया देश की राजधानी क्या है, तो तिराना। अल्बानिया देश की कैपिटल है तिराना, क्लियर है। बगदाद है वो इराक की कैपिटल है। पीट्स संप्रास का संबंध किस खेल से, तो टेनिस से। ये जो वर्ड है पीट संप्रास, ये किस में यूज होता है, टेनिस के अंदर, क्लियर है। हाँ, तो अब इसमें जो 44 क्वेश्चन मैंने कराए, इसमें मैंने आपको 50 लिखे थे, तो मैंने लगभग 5-6 क्वेश्चन आपको बता दिए। फिर भी कुछ क्वेश्चन और बता देता हूँ इसके साथ साथ जो आपको करने हैं, जैसे जो क्वेश्चन करने हैं, देखिए एक आपको बताना है कि जो ये आप कमेंट करना है कि भारत का पहला CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था, ये क्वेश्चन आप कमेंट करेंगे। पहला पूछा है, पहला CJI कौन था, वर्तमान के अंदर रंजन गोगोई है, ठीक है, रंजन गोगोई, क्लियर है। और क्वेश्चन की हम बात करें तो आपको बताना है इसके साथ साथ चंदेरी का युद्ध कब हुआ, ठीक है, जो बाबर ने लड़ा था, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, तो इन दोनों क्वेश्चनों के आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चीफ जस्टिस पहला CJI कौन था वो बताना है आपको, क्लियर है। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की संभावना और रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। इसके साथ साथ आप टाइम टेबल अच्छे से नोट कर लें और अपनी तैयारी, ये क्वेश्चन PDF भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम पे भी इनकी PDF मिलेगी और व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस पर भी आपको ये जो चैनल है उस पर, और फेसबुक पेज टारगेट विद गोस्वामी को आप लाइक कर लें, उस पर डेली आपको 6-7 पोस्ट मिलेंगी, ठीक है। तो इसमें इतना ही था, जल्दी मैं आपके लिए 3 क्लासेस से बढ़ाकर 5 करने वाला हूँ, लेकिन आपका रिस्पॉन्स आना चाहिए, ठीक है। तो जो भी वीडियो देखें, अच्छा लगे तो आप ज़रूर शेयर करें, ठीक है, बुरा लगे तो आप ना करें, डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन अच्छा लगे तो ज़रूर आप एक बार शेयर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, सभी को गुड नाइट, मिलते हैं मॉर्निंग में 8:30 बजे करंट अफेयर के साथ।
धन्यवाद।